हाथी का हाथ है क्या? मुंडन का पहला फंक्शन चित्तौड़ में हुआ था। 4 दिन पहले ही मम्मी ने 2 दिन गीत गवाए थे और 1 दिन बारिश आ गई थी तो काफ़ी कम महिलाएं थी, और उसी के साथ कपड़े भी दिखाए मम्मी ने मायरे के कि क्या क्या रख रहे हैं। सारी लेडीज़ वगैरह आकर देख कर गई थी। तो ये एक बेसिक रिचुअल है, बहुत सारी जगहों तो ख़त्म हो चुका है बट हमारे यहाँ अभी भी है क्योंकि हम लोग छोटे शहर से हैं और छोटे शहर गाँवों में अभी भी ये प्रचलन है। तो बस ये फर्स्ट डे के क्लिप्स हैं गीत गाते हुए के, क्योंकि आज हो गई थी बहुत तेज़ बारिश तो इस वजह से काफ़ी सारी लेडीज़ नहीं आ पाई हैं, क्योंकि ये अनडेवलप्ड कॉलोनी है जिस वजह से सड़कें उतनी बनी हुई नहीं हैं और आने में परेशानी होती है। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप जिस दिन बहुत सारी लेडीज़ आई थी घर पर और अच्छा खासा माहौल हो गया था। मैंने वीडियो कॉल पे बात करी तो मुझे भी लग रहा था कि काश मैं भी वहाँ होती, बट एनीवेज़ फंक्शन काफ़ी अच्छे रहे। और उसके बाद वहाँ के 2 दिन फंक्शन मम्मी ने शौक से करवाए हैं, ऐसा कुछ रूल या ऐसा कुछ रिचुअल है नहीं, पर मम्मी की इच्छा थी कि नित्य मुंडन में 2 दिन वहाँ पर भी गीत गाए जाए, क्योंकि नीत वहाँ पर रहा है, वहाँ पर उसका जन्म हुआ है, उसका ननिहाल है। तो मम्मी का इसीलिए इच्छा थी कि वहाँ पर भी हम इस तरह का कुछ करें। तो बस यही इस तरह से एक फंक्शन यहाँ पर हो चुका है। और नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में मेरी सिस्टर यहाँ पर आ चुकी थी, एक्चुअली वो सैटरडे को ही आ गई थी और मम्मी आए थे संडे को मेरे साथ। जी हाँ, मैं संडे को चित्तौड़ गई थी, एक फैमिली थी जहाँ पर शादी अटेंड करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले बिट्टू के मेहंदी लगाई जा रही है क्योंकि नेक्स्ट डे मैं और मम्मी लगवाएंगे, क्योंकि आज हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला और हम लोग रात को काफ़ी लेट आए थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो बस अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि कुछ किया जाए। तो बस इस तरह से एक हाथ बन चुका है, सेकेंड हाथ बन रहा है, और इस तरह से मैं यहाँ पर एड ऑन कर रही हूँ पूरी क्लिप कि कितने ब्यूटीफुल हाथ बनाए थे। और ये उन्नति हैं जो गणगौर के टाइम पर भी आई थी मेरे मेहंदी बनाने, और वो बहुत ही सुंदर मेहंदी बनाती हैं। तो इस तरह से मेहंदी बन चुकी है और उसके बाद गौरव ने भी थोड़ी सी मेहंदी लगवाई, मैंने लगाई थी यहाँ पर, और उन्होंने अंदर हाथ पे लगवाई है ताकि कोई देख ना सके, शर्ट में छुप जाए। मुझे मेहंदी लगाते देख नीत की भी इच्छा हुई कि वो भी मेरे हाथों पर मेहंदी लगाए, तो वो यहाँ पर खाली रखा जो मेहंदी का कोन था वो लेकर आया और वो ट्राई कर रहा था कि वो किसी तरह से मेरे हाथ पर मेहंदी लगा सके। तो अभी ये रात का टाइम और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, फेस पर दिख रहा होगा आपको। मैं लगाऊँ क्या आपके मेहंदी? ठीक। तो अभी है नेक्स्ट डे यानी कि मंडे, और उन्नति आ चुकी थी तो हमने सबसे पहले नीत की मेहंदी लगवाई, उसकी भी शगुन की मेहंदी लगानी थी और वो सो रहा था तभी पॉसिबल थी, पता नहीं वो बनवाता या नहीं बनवाता हाथ। तो बस हालांकि उसने एक हाथ तो उठ गया था और पहुंच दिया था बेडशीट पे, बट एक हाथ की मेहंदी उसकी सही लग गई थी और सही सूख भी गई थी। तो बस इस तरह से यहाँ पर नीत की मेहंदी लग रही है, और नीत के बाद टर्न आएगा नीत की मम्मा का, और नीत की मम्मा की भी मेहंदी लगेगी। तो यहाँ पर मैं स्केच मेहंदी बनवा रही हूँ, मम्मी की भी मैंने स्केच मेहंदी ही बनवाई थी क्योंकि मम्मी के ज़माने में ना इस तरह की मेहंदी का कोई ट्रेंड था नहीं, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं मम्मी के भी स्केच मेहंदी ही लगवाऊंगी ताकि उनकी भी एक बार इच्छा पूरी हो। तो बस इस तरह से यहाँ पर मेरे मेहंदी लग रही है, और आप इस व्लॉग को आगे भी इन्जॉय करिए, आगे भी आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हमारे फंक्शंस हुए हैं और किस तरह से हम लोगों ने उसे इन्जॉय किया है। यहाँ पर 2 गर्ल्स आई थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि स्केच मेहंदी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उनके बच्चे भी आए थे। एक का बच्चा लगभग नीत से 3 से 4 महीने बड़ा था और एक की गुड़िया नीत से कुछ 1 महीना समथिंग बड़ी है। तो बस उसको तो मज़े आ गए, यहाँ पर दोनों ने खूब मस्ती करी, खूब इंजॉय किया और खूब खेले हैं वो यहाँ पर। उनको बिल्कुल भी अपनी मम्मा की कोई गरज नहीं थी, वो अपने आप में ही खेले जा रहे थे, और हमारा भी काम आसान हो गया था। तो बस इस तरह से मेरी मेहंदी कंप्लीट होती है यहाँ पर, आगे के हाथ की, और पीछे के हाथ अभी बनाना बाकी हैं, वो भी बहुत जल्दी बन जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे बने हैं। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये मेहंदी कैसे लगी। एक हाथ पे मैंने मम्मी की जान लिखवाया है और दूसरे हाथ पे पापा की गुड़िया, क्योंकि अक्सर नीत वही बोलता है हमारे लिए, और स्केच में मुंडन का बॉय बनवाया है, और अब स्टार्ट हो चुकी है पैरेलली मम्मी की मेहंदी भी, मेरी पीछे बनती जा रही है और यहाँ पर मम्मी के हाथ भी बनते जा रहे हैं। मम्मी के हाथ भी बहुत सुंदर बने थे, दोनों ही जो गर्ल्स थी उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल हाथ बनाए थे, और मम्मी के हाथों पर भी स्केच मेहंदी ही बनवा रही हूँ मैं यहाँ पर। मेरे हाथ बनने के बाद और नानी के हाथ बनते देखकर नीत की भी इच्छा हुई कि वो भी अपनी मेहंदी लगवाए, तो वो अपना कोण खुद लेकर आया और उन्नति को पकड़ाया कि मेरे भी हाथ बना दो। तो बस इस तरह से नीत ने भी हाथ बनवाए थे, हमें एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी पर उसने ऐसा किया था, तो दैट्स रियली सरप्राइजिंग।
सिर्फ यही बनाएंगे? यहाँ नहीं बनाएंगे? तो कहाँ बनाएंगे नीत के? उधर तो बना हुआ है ना वो, है ना? उधर तो बना हुआ है, यहाँ नहीं बना हुआ है ना, तो यही बनाएंगे ना। सुंदर सुंदर लगेगा ना नीत के। हाय, कुछ हाथ से करो और मेहंदी बता दो आपकी फटाफट से। ब्लू कलर का हाथी है। तो अभी हो चुकी है सेम डे पे शाम का टाइम और हमारे यहाँ पर लग रहा है आज रात्रि जागरण, जो कि हमारे घर के ही पूर्वज और घर के देवताओं के लगता है। तो अभी हम आ चुके हैं मेरे ससुराल और यहाँ पर है मेरी बुआ सासू माँ। तो बस अब हम लोग दिया जलाया है, धोग लगा रहे हैं और जो भी बेसिक रिचुअल्स है वो कर रहे हैं यहाँ पर। और नीत भी यहाँ पर धोग लगा रहा है क्योंकि ये रात्रि जगह नीत के मुंडन के नाम का है। और अभी यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे देवर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो ऑलमोस्ट मेरी ससुराल की पूरी फैमिली है। तो यहाँ पर सब लोग एक साथ ही धूप लगा रहे हैं और मेरी मदर इन लॉ है, हम लोग यहाँ पर एक साथ धूप लगा रहे हैं जो भी रिचुअल है। और उसी के साथ यहाँ पर गीत गाना भी लेडीज़ ने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर सारे गीत गाए जाते हैं पूर्वज के, भैरू जी भगवान के, गणेश जी के और लगभग सारे जो भी देवता होते हैं। तो बस इस तरह से यहाँ पर गीत का काम स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम आ चुके हैं रात्रि जगह लगा के मेरे ससुराल से घर पे और अभी रात के 10:30 अप्रोक्स बज रहे हैं। और अभी हम हल्दी फंक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सारा सामान मैंने थोड़ा थोड़ा तो पहले से कलेक्ट करके रखा था, कुछ सामान मेरी सिस्टर लेकर आई थी चित्तौड़ से और उसी को मिक्स करके हम लोग यहाँ पर एक सेटअप बना रहे हैं। तो मैं पहली बार इस तरह का काम कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कितना बेटर या अच्छा कर पाऊँगी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो चलिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक कील लगी हुई है जो हमसे पहले रेंट पर आए थे, शायद उन्होंने लगाई होगी, तो मैं उसी को रीयूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर कोई भी ड्रिलिंग या कील लगाने का काम नहीं करूँगी, मुझे वॉल्स ना सिंपल और प्लेन ही अच्छी लगती हैं। तो बस इस तरह से ये एक कैनोपी नेट है जो हमने चित्तौड़ भी कैनोपी सेटअप में यूज़ करी थी, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हालांकि वहाँ पर इसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर था क्योंकि वहाँ की वॉल्स का कलर वाइट नहीं है, बट यहाँ पर वॉल्स का कलर वाइट है तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था, बट इट्स ओके, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हम लोग यूज़ ज़रूर करेंगे। इस तरह से एक हट टाइप रेडी हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये हल्दी का जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं आज ही परचेस करके लाई हूँ, मुझे ऐसा लगा कि कुछ कमी लग रही है तो बस हम लोग ने ये परचेस कर लिया। मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ मार्केट में मिलती है तो बस इसी को लगाया और इससे ही पूरा लुक चेंज हो गया था पूरे कैनोपी का। थोड़ा बहुत डेकोरेशन हो चुका था तब मुझे लगा कि शायद हमारा डेकोरेशन सामान कम पड़ सकता है, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि नीत के कुछ फ़ोटोग्राफ्स रखे हुए थे मेरे पास, वो मैं लेकर आई और यहाँ पर मेरी सिस्टर उनको कट कर रही है, उनको भी हम एज एन डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी लगा दी हैं और फ़ोटोज़ वगैरह मैं लगा रही हूँ। और कुछ DIYs मैंने दिवाली के टाइम पर बना के रखे थे जो कि आपने मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे, आइसक्रीम स्टिक्स जो होती हैं ना उनसे मैंने उसे बनाया था, तो वो भी यहाँ पर लगा रही हूँ। ये दो चीज़ें यहाँ पर, और ये थीम के साथ बहुत ही अच्छे से चली गई थी क्योंकि येलो कलर का हल्दी का थीम होता है और हमारा जो DIY चीज़ें थी वो ऑरेंज और ग्रीन कलर की बनी हुई थी, उसमें येलो कलर भी था, तो बस इस तरह से ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और भी सारी लाइट्स जो हैं वो मैं इसमें एड ऑन कर दूंगी, कुछ लटकने हैं, डोर हैंगिंग्स जो आती हैं वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और अभी सारा लाइटिंग का सेटअप होने के बाद यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग में हम लोग बैनर्स बना के रखे हुए हैं। ये बैनर्स मैं बना रही हूँ जो हल्दी फंक्शन में ज़रूरत होती है। लाइक हम लोगों ने रखा है, नीत खुद को ब्लू हाथी कहता है, तो हम उसको ब्लू हाथी का बैनर बना रहे हैं उसके लिए। और सुपर नानी हो गया, मम्मी की जान वो अक्सर बोलता है, पापा की गुड़िया बोलता है, तो हम वही बैनर्स उसके बना रहे हैं। यहाँ पर पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बाद इन पे कलरिंग करूँगी। तो बस इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सब कुछ। क्या कर रहे हो नीत? अच्छा, ब्लू हाथी बना रहे हो क्या? अच्छा, सारे पेपर्स पे ड्रॉ होने के बाद मैं आ गई हूँ सेकंड रूम में, और यहीं पर हमने फर्श पे बैठकर ही कलरिंग करी ताकि कुछ गंदगी ना फैले। तो बस सारे बैनर्स पे कलरिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, वो सूख भी चुके हैं। और अब चल रही है उनकी कटिंग, तो मैं और मेरी सिस्टर मिलकर दोनों ही इनकी कटिंग कर रहे हैं। और फिर हम इसमें आइसक्रीम स्टिक से ही हैंडल बनाएंगे इनका, और ज़्यादा हौचपौच नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक चीज़ें ही यूज़ कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा मेहनत वाली बात तो नहीं थी, बट हाँ थोड़ा बहुत मेहनत था। तो बस उसी के साथ नीत का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, और मैंने नीत को यहाँ पर बिठाया है और यहाँ पर येलो दुपट्टा से सेटअप कर दिया है। और ये मेरी लैपटॉप टेबल है जहाँ पर हमने इस तरह का सेटअप किया है। सो नीत ने ये फंक्शन काफ़ी इन्जॉय किया था, और आप डे लुक भी देख लीजिए कि कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन करा था हम लोगों ने। सो अल्टीमेटली रिज़ल्ट अच्छा होना तो दिल खुश हो जाता है। तो बस इस तरह से यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह चल रही है, तो हमने सोचा कि हम लोग पहले अपनी फ़ोटोग्राफी वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो बस यहाँ पर नीत की मम्मा के साथ फ़ोटो हुई है, और आप देखिए नीत को कितनी कॉमेडी कर रहा है। उसको हंसने के लिए बोला, स्माइल करने के लिए बोला है, तो वो ओवर हंसी हंस रहा है और शैतानियाँ कर रहा है। और ये देखिए मम्मी की जान का बैनर उसने खुद ने हाथ में लिया है, वो हमें नहीं पकड़ने दे रहा था, वो खुद पकड़ रहा था। तो बस यहाँ पर अब आ गई है नानी, नानी का बैनर है सुपर नानी, और यहाँ पर है मासी का बैनर और मासी की फ़ोटोग्राफी। और अब हमने स्टार्ट कर दिया है इसका हल्दी फंक्शन। ज़्यादा क्लिप्स मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, नहीं तो फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बस थोड़ा बहुत मैं ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा हल्दी का फंक्शन, और मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ ही मिला कि नीत ने सारा चीज़ें करने दी, अदरवाइज़ वो इस तरह की चीज़ें नहीं करने देता है, दैट्स दी बेस्ट पार्ट। तो वही मुझे अच्छा लगा कि नीत ने हर चीज़ को इन्जॉय किया, हर फंक्शन को, हर ड्रेस को, हर लुक को, इवन फोटोग्राफी से लेकर एवरीथिंग। तो दैट्स दी बेस्ट पार्ट गाइज। तो ये है हमारा हल्दी फंक्शन। बाबू आई लव यू, थैंक यू। नीत हंसता कैसे? मैं खा जाऊंगा मैं खा जाऊंगा। शेर कैसे खाता है? शेर कैसे खाता कर? वो दूसरा तेन आता है। अच्छा।